हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए कनाडा की म्यूजियम ने मांगी माफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ घमासान थम नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिल्म काली के मेकर से खिलाफ FIR दर्ज की है। अभी तक इस मामले में लीना की तरफ से तो कोई माफ़ी नहीं आई है, लेकिन कनाडा के जिस म्यूजियम में इसे दिखाया गया था उसने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने पर खेद प्रकट किया है। जानकारी के लिए बता दें कि टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में काली डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी सामग्री दिखाई गई थी, लेकिन जब ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने उस पोस्ट पर अपनी आपत्ति जाहिर की तो म्यूजियम ने सामने से आकर माफ़ी मांग ली है। जारी बयान में आगा खान म्यूजियम ने कहा है कि म्यूजियम को इस बात का खेद है कि अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के तहत दिखाई जा रही 18 छोटी वीडियोस में से एक को लेकर विवाद हुआ है, हिंदू समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। यहां ये जानना हो जाता है कि कुछ दिन पहले ही ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस विवाद पर अपनी आपत्ति जता दी थी। बयान में कहा गया था कि हम कनाडा के हिंदुओं की तरफ से कोई शिकायत मिली है। शिकायत में कहा जा रहा है कि कनाडा में अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के तहत एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया है, इसमें हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी की गई है। हम कनाडा के अधिकारियों से अपील करते हैं कि सभी आपत्तिजनक मटेरियल को तुरंत हटा लिया जाए। अब उस अपील का असर म्यूजियम पर दिख गया है, जिसने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके एक वीडियो ने हिंदू देवी का अपमान किया है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है। अभी के लिए देश के अलग अलग राज्यों में फिल्म मेकर लीना मनी मेकलाई के खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है। उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठाई जा रही है। जिस पोस्टर को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है उसकी बात करें तो उसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, उनके एक हाथ में LGBT समुदाय का झंडा भी दिखाया जा रहा है। उसी पोस्टर ने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है और फिल्म मेकर के खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है। इस पूरे बवाल पर लीना का कहना है कि वे मरते दम तक अपनी आवाज़ उठाती रहेंगी, वे आगे भी बेखौफ होकर अपनी बात रखेंगी। एक ट्वीट में उन्होंने सफाई देते हुए ये भी बताया कि फिल्म उन घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो शाम की है, जब काली प्रकट होती है और टोरंटो की सड़कों पर टहलती। टू मी इज अ मीट ईटिंग यू नो अल्कोहल एक्सेप्टिंग गॉडेस, टू मी दैट इज अ वर्जन ऑफ काली। एंड इफ यू गो टू तारापीठ एंड अराउंड तारापीठ एंड अराउंड ऑल ऑफ देम यू हैव ऑल द साधु स्मोकिंग ऑल ऑफ दैट, दैट इज द वर्जन ऑफ काली दैट पीपल वर्शिप। ऐसे माहौल में कनाडा में बैठी लीना नाम की एक महिला जानबूझकर एक पोस्टर रिलीज करती है और एक नए विवाद का धमाकेदार प्रोडक्शन करती है। इस पोस्टर में सनातन आस्था की देवी काली की वेशभूषा में एक महिला कलाकार LGBTQ के झंडे के साथ सिगरेट पीती हुई दिखाई देती है और इसी पोस्टर को पोस्ट करके लीना नाम की डायरेक्टर कनाडा में अपनी कामयाबी का जश्न मनाना चाहती। सोशल मीडिया पर जैसे ही काली लिखा हुआ यह पोस्टर और एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया, वैसे ही #loveyoulinamanimekalai डाले। बता दे कि कनाडा में माँ काली का एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया था जिसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और पोस्टर में माँ काली के हाथ में LGBTQ का प्राइड फ्लैग भी है। इस पोस्टर ने भारत में बवाल मचा दिया है। बता दे कि ये पोस्टर फिल्म मेकर लीना मनी मेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का है। विवाद के बाद लोग सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर लीना को लेकर जमकर खरी कोटी सुना रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पोस्टर 2 जुलाई को रिलीज हुआ था और इसे कनाडा में आयोजित एक प्रोजेक्ट अंडर द टेंट के तहत प्रदर्शित किया गया था। ये प्रोजेक्ट टोरंटो के आगा खाना म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया था। माँ काली के विवादित पोस्टर मामले में दिल्ली और UP में FIR दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस को काली माँ के पोस्टर विवाद में 2 शिकायत मिली थी, एक शिकायत नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और एक शिकायत IFSO को दी गई थी। फिलहाल IFSO यूनिट ने ये तस्वीर लगाने वाली डायरेक्टर लीना मनी मेकलई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माँ काली के विवादित पोस्टर मामले में फिल्म काली की निर्माता लीना मनी मेकलई के खिलाफ UP पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR में आरोप लगाए गए हैं कि हिंदू देवी का अपमानजनक चित्रण किया गया है और धार्मिक भावनाओं का आहत किया गया है। माँ काली पर टिप्पणी के बाद महुआ मोइत्रा और TMC के बीच तनातनी, अनफॉलो किया पार्टी का ट्विटर। हाल में ही उन्होंने काली मूवी पोस्टर के विवाद में टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे लिए देवी काली एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। देवी काली के कई रूप हैं। उनके इस बयान के बाद से काफ़ी विवाद हो रहा है। इसी बीच उनकी TMC ने बयान जारी कर कहा है कि पार्टी उनके इस बयान का समर्थन नहीं करती।
इससे नाराज उन्होंने टीएमसी के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया है। इसी बीच एक कार्यक्रम में बोलते हुए महुआ मोइत्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भगवान को कैसे देखते हैं। अगर आप भूटान और सिक्किम जाए तो वहाँ पूजा में भगवान को विस्की चढ़ाई जाती है, वही आप उत्तर प्रदेश में किसी को प्रसाद में विस्की दे दे तो उसकी भावना आहत हो सकती है। मेरे लिए देवी काली एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। देवी काली के कई रूप है। मोइत्रा के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये उनका निजी विचार है, पार्टी इनका समर्थन नहीं करती और वे इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। हालांकि टीएमसी द्वारा नाराजगी जताने के बाद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर सफाई दी थी। उन्होंने मंगलवार को इस विवाद के बाद कहा कि आप सभी संघियों का झूठ आपको बेहतर हिंदू साबित नहीं कर सकता। मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया या कहीं भी धूम्रपान शब्द का उल्लेख नहीं किया। मेरा सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी माँ काली के पास जाएं, ये देखने के लिए कि भोग के रूप में उन्हें क्या खाना पीना दिया जाता है। जय माँ तारा। शशि थरूर ने कहा, महुआ मोइत्रा पर हो रहे हमलों ने मुझे हैरान कर दिया है। काली फिल्म को लेकर उठा विवाद सियासी रंग ले रहा है। पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने माँ काली को लेकर टिप्पणी की, इसके खिलाफ भाजपा उग्र है तो आप कांग्रेस नेता शशि थरूर मोइत्रा के समर्थन में उतर आए हैं। थरूर ने ट्वीट के जरिए कहा, महुआ मोइत्रा ने जो कुछ भी कहा वह हर हिंदू जानता है। उन्होंने कहा कोई धर्म को किस तरह से मानता है ये उस पर ही छोड़ दे। शशि थरूर ने लगातार दो ट्वीट किए। उन्होंने कहा, महुआ मोइत्रा पर हो रहे हमलों ने मुझे हैरान कर दिया है। ये हमले उस वजह से हो रहे हैं जो हर हिंदू जानता है। हिंदू जानते हैं कि देश में हर जगह पूजा करने का तरीका अलग अलग है। देवी पर कोई क्या चढ़ाता है ये वे भक्त ही जानता है। उन्होंने आगे कहा, हम ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं अगर हम सार्वजनिक मंच पर किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो किसी न किसी की भावना आहत हो ही जाएगी। हालांकि ये तय है कि महुआ ने किसी को अपमानित करने की भावना से ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं सबसे अपील करता हूं कि माहौल को ठंडा रखे। महुआ के बयान पर भाजपा हमलावर है। उनके बयान को लेकर कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नजर।